नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। हसनाथ फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया रविंद्र भवन में। कि आज का ये जो कार्यक्रम है, जो मेरे वाले जनाब हसनाथ सिद्दीकी साहब की याद में हमने रखा है, इस कार्यक्रम की फिगर जितनी मुझे थी उससे 10 गुना ज्यादा हम सब की इज्जत माँ जनाब अजीज कुरैशी साहब को थी। जब भी मैं उनसे मिलने जाता तो हमेशा मुझसे कहते कि बेटा हसनाथ के नाम का कुछ कार्यक्रम करो, मैं हसनाथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये एक बराबर फिगर उनके दिल दिमाग पे छाई रहती थी और आज सुबह तक इस कार्यक्रम के शुरू होने से 1 घंटे पहले तक फोन करके मुझसे रिपोर्ट लेते रहे कि बेटा सब ठीक से चल रहा है। तो मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मोहब्बत के लिए जो उन्होंने मेरे वालिद से आज तक कायम रखी और जो मुझे उनका प्यार मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जनाब अजीज कुरैशी साहब का और मेरे वालिद का क्या ताल्लुक था वो तो कहने की मेरी ज़रूरत नहीं है, वो उस पर तो बात वही कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो याद आती हैं कि जब छोटा था और अक्सर मैं अपने वालिद के मुंह से ये अल्फाज सुनता था, कभी कुछ परेशान होते तो बोलते थे कि यार अजीज भाई से बात करनी पड़ेगी। तो कुछ भी होता था, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का मसला होता था और उनके जब भी माथे पे शिकन होते थे तो हम तैयार रहते थे इस डायलॉग को उनके मुंह से सुनने के लिए कि यार अजीज भाई से बात करना पड़ेगी। तो ये हमारे यासिर भाई काफी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जो कौमी तंजीम है गंगा जमनी संस्कृति है उसको और मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, आर्ट में, म्यूज़िक में, कल्चर में, सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में। ये बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति है सर। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश नंबर 1 के पोस्टर लगाए हैं सरकार ने, सर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार में नंबर 1 फाउंडेशन आगे भी इस तरह के रचनात्मक कार्य करता रहेगा। जिन बातों के लिए हसनाथ भाई हमेशा वो संघर्ष करते रहे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम ये फाउंडेशन करेगा और हम लोग हमेशा उसमें सहयोग करेंगे। हसनाथ फाउंडेशन का ये प्रोग्राम मेरे मरहूम वाले जनाब हसनाथ सिद्दीकी साहब की याद में हमने रखा था और इस कार्यक्रम का जो आइडिया था और इस कार्यक्रम की जो ज़िद थी वो जनाब अजीज कुरैशी साहब की बहुत वक्त से मुझसे थी और उनका कहना था कि हसनाथ मेरा छोटा भाई है और तुम उसके लिए कार्यक्रम जल्द से जल्द करो। तो उनकी सरपरस्ती में और उनके हुक्म पे ये कार्यक्रम हमने किया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ मौजूद सारे लोगों का, क्योंकि ये इस कार्यक्रम हम ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, फाउंडेशन की तरफ से हमने किया था और मखसूस उन लोगों के साथ और उन लोगों के लिए जो कि मेरे वालिद से जुड़े रहे किसी भी तौर पर, चाहे वो सियासी हों या गैर सियासी। तो इस तरह का ये कार्यक्रम था। शक्ति प्रदर्शन नहीं, नहीं, आप लोगों को ये कार्यक्रम देखकर कहीं से लगा कि ये शक्ति प्रदर्शन था? बहुत पर्सनल कार्यक्रम था और सारे लोग यहाँ पर जितने भी हैं सब मेरे दोस्त करीबी हैं, तो ये पर्सनल प्रोग्राम था। ये जब तक जमात और विभाग ने उसको स्वीकार नहीं है, हमें इस बात का दुख होता है कि आज वो हालात बिगड़ गए हैं। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उन बुनियादी विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी है इसको मजबूत करें। जब तक हम हिंदू कांग्रेस में रहकर मुसलमानों की तरफदारी नहीं करेंगे, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मुसलमान क्या करेगा? उसका विश्वास जीतना आवश्यक है। जब मैं इस बात को कहता हूं तो मुझे इस बात का भी दुख है कि मेरी आलोचना भी नहीं होती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहकर पूरे तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात का गर्व है कि अरुण सिंह जी के नेतृत्व में मुझे राजनीति सीखने का मौका मिला।
अजीत भाई के साथ बैठकर मुझे राजनीति सीखने का मौका मिला और मुझे विश्वास है कि जो ये माहौल बन गया है इस देश में और विशेषकर भोपाल में सांप्रदायिक का, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अंतोगत्वा हमारी जीत होगी, हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश में काम करेंगे, भोपाल में काम करेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तारिक भाई कि आज का ये जो कार्यक्रम है जो मेरे वाले जनाब हसनात सिद्दीकी साहब की याद में हमने रखा है, इस कार्यक्रम की फिक्र जितनी मुझसे थी मुझे थी उससे 10 गुना ज्यादा हम सब के जदमाब जनाब अजीज कुरैशी साहब को थी। जब भी मैं उनसे मिलने जाता तो हमेशा मुझसे कहते कि बेटा हसनात के नाम का कुछ कार्यक्रम करो, मैं हसनात के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये एक बराबर फिक्र उनके दिल दिमाग पे छाई रहती थी और आज सुबह तक इस कार्यक्रम के शुरू होने से 1 घंटे पहले तक फोन करके मुझसे रिपोर्ट लेते रहे कि बेटा सब ठीक से चल रहा है। तो मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मोहब्बत के लिए जो उन्होंने मेरे वालिद से आज तक कायम रखी और जो मुझे उनका प्यार मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जनाब अजीज कुरैशी साहब का और मेरे वालिद का क्या ताल्लुक था वो तो कहने की मेरी ज़रूरत नहीं है, वो उस पर तो बात वही कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो याद आती हैं कि जब छोटा था और अक्सर मैं अपने वालिद के मुंह से ये अल्फाज सुनता था, कभी कुछ परेशान होते तो बोलते थे कि यार अजीज भाई से बात करनी पड़ेगी। तो कुछ भी होता था, कोई भी परेशानी किसी भी तरह का मसला होता था और उनके जब भी माथे पे शिकन होते थे तो हम तैयार रहते थे इस डायलॉग को उनके मुंह से सुनने के लिए कि यार अजीज भाई से बात करना पड़ेगी। तो ये रिश्ता था मेरे वालिद का और जनाब अजीज कुरैशी साहब का। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब ये मेरे महामंत्री थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का के महामंत्री थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, तब 1998 का चुनाव हुआ था, जब सब कह रहे थे कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस को 25-50 वोट भी एमएलए नहीं जीत पाएंगे, हमें फिर से बहुमत मिला और उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं तारिक अनवर साहब को देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और जो मैंने कहा मैंने सुझाव दिए वो उन्होंने माने। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया ये क्यों नहीं किया, पूरा भरोसा उन्होंने दिया जिसकी वजह से मुझे सफल किया। यासिर नौजवान है, मैनेजमेंट से निकले हैं और आजकल चुनाव ज़्यादा मैनेजमेंट का हो गया है, राजनीति और कम हो गई है। कैसे मैनेज करो, कैसे होटल बढ़ाओ, कैसे काम करो, ये सब काम आजकल मैनेजमेंट के हो गए हैं। यासिर जी अपने पिता के समान बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और फिर संगठन, ये बात सही है कि उन्होंने आज तक मुझसे कभी टिकट की मांग नहीं करी और मैं कई बार जब मुझसे कोई मिलने आता हो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बात यही आती भाई, और आजकल के चुनाव का समय तो यही बात आती है कि भैया टिकट मांगने आए हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी राजनीति शुद्ध रूप से आइडियोलॉजिकल है और आइडियोलॉजी के साथ साथ संगठन के साथ जुड़ी हुई है। हस्ता फाउंडेशन के माध्यम से बहुत काम करने का एक अवसर है, कौमी तंजीम के माध्यम से बहुत कुछ करने का बहुत हमारे पास अवसर है। मुझे इस बात को मैं उनसे कहना चाहता हूँ या सिर्फ पूरी कोशिश करो कि हम भोपाल उसी पुराने जमाने में ले जाए जब यहाँ पर हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए हम लोग जाने जाते हैं। जब नवाब साहब भोपाल ने यहाँ पर यहाँ के मुसलमानों को
पाकिस्तान जाने से रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया। फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।